हेलो, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए बहुत ही डिफरेंट टॉपिक पे वीडियो लेकर आई हूँ। ये कोई व्लॉग वीडियो नहीं है, जिनको व्लॉग देखना है वो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आज मैं एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ। मैं बहुत टाइम से इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहती थी, अपनी जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो आप तक शेयर करना चाहती थी। तो चलिए आपको बताती हूँ। टाइटल देख के आप टॉपिक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं सी सेक्शन डिलीवरी और बाइकॉर्नियल ट्यूट्रस के बारे में बात करने जा रही हूँ। तो मेरी डिलीवरी सी सेक्शन हुई है और मेरा यूट्रस भी बाइकॉर्नियल ट्यूट्रस है। तो बाइकॉर्नियल ट्यूट्रस भी होता है ऐसा मुझे मतलब तभी पता चला जब मेरा स्कैन हुआ, फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हुआ। तो डॉक्टर ने बोला कि आपके तो मतलब दो बच्चेदानी है, जॉइंट है बीच में बच्चेदानी में। तो मेरा जो बेबी था वो राइट साइड में था। तो डॉक्टर ने मतलब बोला कोई परेशानी की बात नहीं है, ऐसे केस भी होते हैं। और लेकिन हाँ, उन्होंने पहले स्कैन में ही मतलब पहला अल्ट्रासाउंड वही देख के बस इतना बोला बोला कि आपका सी सेक्शन ही होगा, नॉर्मल डिलीवरी का कोई चांस नहीं है। तब 6 वीक में मेरा फर्स्ट स्कैन हुआ था। तो मैं काफ़ी डर गई सी सेक्शन होगा तो मतलब डर तो लगा था कि हाँ नॉर्मल नहीं हो सकती, थोड़ा सा मैं टेंस हो गई थी। पर धीरे धीरे फिर चीज़ें मैंने सर्च किया सी सेक्शन के बारे में, उनका चलो अब जो भी है कोई बात नहीं, ठीक है जैसे भी हो, बच्चा सेफ होना चाहिए। मतलब उतने समय के ख्याल आता है ना कि बेबी ठीक होना चाहिए। तो फिर उसके बाद मेरा मतलब जब टाइम आ गया डिलीवरी का तो सी सेक्शन डिलीवरी हुई। तो एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई वो नहीं था, बस जो कि पेन होता हो बाइकॉर्नियल ट्यूट्रस में ऐसा कोई कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। बाइकॉर्नियल ट्यूट्रस में बेबी आराम से जैसे नॉर्मल बेबी मतलब होते हैं वैसे ही, कोई दिक्कत कहीं कुछ नहीं हुआ। बस स्कैन बहुत ज़्यादा डॉक्टर ने आई थिंक स्कैन तो आजकल सभी मतलब काफ़ी रिकमेंड करने लगे हैं डॉक्टर, काफ़ी स्कैन सारे करवाने के लिए। तो सब जगह सब नॉर्मल आ रहा था। जब 5 मंथ्स कंप्लीट हो गए तो मेरा थोड़ा सा डर खत्म हुआ, क्योंकि 3-4 मंथ तक डॉक्टर ने थोड़ा सा बोला था मे बी कुछ परसेंट मतलब बोला 5-10% मिसकैरेज के भी चांसेस होते हैं बाइकॉर्नियल ट्यूट्रस में, तो ऐसा कुछ बोला था। तो थोड़ा सा डर तो था, थोड़ा सा ध्यान देने को ज़्यादा बोला था, तो मैंने काफ़ी मतलब केयर की, लेकिन ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। फाइनली डेट मतलब आ गई डिलीवरी की, तो मेरा सी सेक्शन ही हुआ। तो सी सेक्शन डिलीवरी के बारे में बताती हूँ। अभी तो मैं बता रही थी बाइकॉर्नियल ट्यूट्रस, कोई बात नहीं, बाइकॉर्नियल ट्यूट्रस भी नॉर्मल, मुझे तो कुछ फील नहीं हुआ मतलब, तो कोई वैसे डर की बात नहीं है। और उसके बाद सी सेक्शन डिलीवरी, उसके बाद मतलब सी सेक्शन डिलीवरी का प्रोसीजर वही 24 आवर जो होते हैं आफ्टर सिजेरियन, काफ़ी पेनफुल होता है, झूठ नहीं बोलूँगी, मतलब सच में काफ़ी पेनफुल होता है। कि वो धीरे धीरे जो इंजेक्शन जो बैक में देते हैं हमें पूरी बॉडी जो नीचे की बॉडी पूरी वो करने के लिए सुन करने के लिए, तो वो काफ़ी मतलब धीरे धीरे उसका असर जब ख़त्म होता है और हम अपनी बॉडी को मूव करना चाहते हैं पर हम मूव नहीं कर पाते हैं, मतलब पैर हिलाने का मन है, करवट लेने का मन है, मतलब आपको एक ही पोजीशन में लेटे रहना पड़ता है, मन करता है इधर हो जाए पर नहीं हो सकते, तो वो चीज़ थोड़ा सा हाँ 24 घंटे वो थोड़ा सा मुश्किल होते हैं। तो वही है, फिर आप एक बार बच्चे का वो देख लो तो कुछ भी सब याद नहीं रहता, सब मतलब भूल जाते हम। तो ये तो हो जाती है कि हाँ एक खुशी आती है ना जब बड़ी, तो उसके आगे सारे जो तकलीफ होती है बॉडी की कुछ महसूस नहीं होती, मतलब तकलीफ तो होती है लेकिन फील नहीं होता। फील ना होने का मतलब है कि बच्चा पास में होता है ना उसे देख के बड़ी खुशी होती है, मतलब वो मोमेंट हम इंजॉय कर रहे होते हैं और जो वहाँ पे पेन हो रहा होता है उसे हम भूल जाते हैं कहीं ना कहीं।
तो थोड़ा बहुत बीच में हाँ लगेगा कि हाँ मेरे को ऐसे होना है, मेरे को कब कुछ खाने को मिलेगा, कब पानी पीने का थोड़ा सा मन होता है। अगर गर्मी का टाइम हो तो मुझे लगता ज़्यादा पानी पीने का मन करता है, क्योंकि मेरा सिजेरियन जो हुआ था 27, मेरा जो बेबी हुआ था 27 जुलाई को हुआ था, तो काफ़ी गर्मी थी, तो हाँ पानी पीने का थोड़ा सा मन करता है कि पानी दे दे कोई, पानी पी लूँ, पर अलाव नहीं करते, पानी वानी कुछ भी नहीं देते। मुझे 18 आवर तक कुछ नहीं दिया था खाने को, 18-19 आवर हो गए थे। 11:30 बजे, रात के 11:30 बजे मुझे ऑपरेट किया था, और उसके बाद अगले दिन मुझे 6 बजे 7 बजे 7 बजे के आसपास बोले कि इनको चाय और बिस्किट दो, थोड़ा सा अगर डाइजेस्ट हो जाता है देन आगे देना है, कुछ दलिया वगैरह कुछ पतला सा ऐसे देते हैं, कुछ खाने को वैसा नहीं देते आपको, और थोड़ा सा पानी वगैरह तब बोलते हैं कि हाँ दे सकते हो। पर फर्स्ट तो मुझे बिस्किट और चाय बोला था, वो भी बिस्किट इतना नहीं कि आप पैकेट भर के खा लो, एक दो बिस्किट तो मैंने तो खाया था। उसके बाद वही दलिया वगैरह ऐसे देते हैं, तो धीरे धीरे तो खाने का हो गया। पर 2-3 दिन बाद, 2-3 दिन तक बहुत मतलब तकलीफ होती है, आप बिना किसी के हेल्प के उठ नहीं सकते, मतलब उठने में भी बहुत तकलीफ होती है। इसके बाद बारी आती है, मैं बताती हूँ आफ्टर डिलीवरी बेल्ट के बारे में, आपको एब्डोमिनल बेल्ट यूज करना चाहिए या नहीं। मैं अपना बताती हूँ जनरली, मैं मुझे डॉक्टर ने नहीं बोला था और मुझे नहीं पता था कि आप डिलीवरी के बोलते एक हफ्ते बाद भी बेल्ट यूज कर सकते हैं, क्योंकि मेरे रिलेटिव में एक दो लोग हैं जिन्होंने आफ्टर मतलब 4 डेज ही बेल्ट यूज करा हॉस्पिटल से ही, पर उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और हाँ बेल्ट यूज करना चाहिए, क्योंकि पता है सी सेक्शन हो, मुझे तो लगता है नॉर्मल में भी, नॉर्मल में थोड़ा सा अगर मालिश वगैरह हो जाती है तो पेट जल्दी अंदर चला जाता है, लेकिन लेकिन सी सेक्शन में पेट अंदर जाने के चांसेस नहीं होते अगर आप बेल्ट ना यूज करें तो। तो मैंने बेल्ट यूज किया है प्रॉपर, और पहले मैंने ये जो होता है दिखा देती हूँ, ये फ्लेमिंगो फ्लेमिंगो ऐसे कुछ करके ब्रांड है, ये लिया था मैंने, ये कुछ ऐसा था, ये यहाँ से ऐसे ओपन होता है, और ये आप अपने नीड के अकॉर्डिंग, और इसमें साइज आते हैं, मैंने एल साइज लिया था, एम आता है, एम मैंने पहले लिया वो थोड़ा सा टाइट आ रहा था, तो मीडियम लार्ज इसमें साइज के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। और इसमें ना बैक में ये जो होते हैं ना, ये काफ़ी सपोर्ट करते हैं बैठने के लिए, जैसे मैंने बताया ना बैक में मतलब सपोर्ट रहता है तो सही रहता है, क्योंकि काफ़ी पेनफुल होता है ना, आप बिना सपोर्ट के बैठ नहीं सकते, तो बेल्ट लगाने से थोड़ा सा सही रहता है। और 3 मंथ्स तक मैंने यही वाला बेल्ट यूज किया है, 3 महीने तक, फिर ये वाला बेल्ट का ये दिक्कत होता है इसमें, मतलब ये वाले बेल्ट में एक दिक्कत रहती है, ये वाला बेल्ट जो है आप कहीं लगा के जैसे बाहर जाना चाह रहे हैं तो नहीं जा सकते, ये थोड़ा सा दिखता है, एक तो ये ऊपर से ही लगाना होता है, तो ये आप ऊपर से लगाएंगे, 1 मिनट, तो इस बेल्ट को ना ऊपर से ही लगाना होता है, तो ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है कपड़ों के ऊपर लगा के आप वॉक करने जाना चाहें। आफ्टर 3 मंथ की बात कर रही हूँ, 3 मंथ तक तो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं रेस्ट करने के लिए, तो आपको प्रॉपर रेस्ट लेना चाहिए। मैंने मतलब 3 महीने तक पूरा रेस्ट किया, एक्सरसाइज किसी चीज़ पे फोकस नहीं किया कि मुझे पेट अंदर करना है, ऐसा कुछ नहीं, मैंने 3 महीने तक जो डॉक्टर ने बोला था प्रॉपर फॉलो किया, तो उसके बाद भी आपका पेट कम हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। वेट भी अगर बढ़ गया है, मेरा भी वेट काफ़ी बढ़ गया था, और धीरे धीरे अभी भी मैं पतली नहीं हुई पहले जैसे, लेकिन हाँ थोड़ा वेट लॉस हो रहा है, तो ये बेल्ट मैंने पहले यूज किया, उसके बाद मैंने फिर ये वाला बेल्ट ले लिया, ये फ्रंट से ऐसा है, और इसमें ना ये ऐसे मतलब ये इसमें हुक्स लगे हुए हैं, ये देखिए पास से दिखा देती हूँ, तो
ये ना दो दे रखे हैं, इसमें और अच्छा आता है, मैंने ज्यादा प्रेफर नहीं किया ज्यादा पैसे इसमें वेस्ट करना सच्ची बताऊं तो। और ये वाला थोड़ा सा महंगा था, ये मुझे 500 रुपए का मिला था, मैंने नॉर्मल मार्केट से लिया था, मतलब जो शॉप से लिया था बाहर। और ये मैंने ऑनलाइन मंगाया, 200 रुपए का पड़ा था ये मुझे। और सच्ची बताऊं ना ये काफी अच्छा है, मतलब इसको आप अंदर भी लगा लो, ये काफी ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं आप फर्स्ट पे सेकंड पे, तो इसको सिंपली आप अंदर से भी लगा सकते हैं इसको, इसको मतलब ऐसे हुक से ऐसे लगते हैं, पेट मतलब काफी अंदर हो गया है, पहले बहुत ज्यादा निकला हुआ था। तो ये ना बेल्ट मुझे लगता कहीं ना कहीं असर किया है, और धीरे धीरे आप बच्चे को फीड करवाते हैं और धीरे धीरे थोड़ा सा, जब हम मैंने जब यहाँ पे मतलब जब मैंने घर के काम स्टार्ट कर दिए 3 4 3 मंथ्स के बाद सारे रूटीन वर्क करने लगी, तो ऑटोमेटिकली वेट थोड़ा सा लॉस होने लगा है। तो कोई नहीं, थोड़ी मेहनत क्या, हमारे अगर घर के रेगुलर काम कर रहे हैं, झाड़ू पोछा ये सब खुद ही कर रहे हैं, बर्तन धुलाए, तो धीरे धीरे वो वेट जो होए वो लॉस हो ही जाता है। और खाने का मैं बताऊं, खाने में मैंने कोई परहेज नहीं की, मैं अपना बता रही हूँ, और खाने में तो मैंने कुछ परहेज नहीं की, घी वगैरह मैंने दबा के खाए हैं, मैंने घी बहुत खाया है डिलीवरी के पहले भी और आफ्टर डिलीवरी भी खाया है, और डॉक्टर ने मुझे कोई भी चीज़ कुछ भी खाने से मना नहीं किया था। जब मैं डिस्चार्ज हुई आफ्टर 4 डेज, कोरोना का समय चल रहा था ना, तो ज़्यादा दिन हॉस्पिटल में नहीं रखा। तो इस तरह से मेरा मतलब ये जो मेरी स्टोरी थी डिलीवरी की, तो कुछ इस तरह से थी। और आफ्टर डिलीवरी में आप इसे मत लगाइए, मतलब खिंचाव होगा थोड़ा सा पेट में, टाँकों में, मतलब टाँकों में थोड़ा सा खिंचाव होगा, क्योंकि ये बिल्कुल ये इसको मतलब वैसे तो इसको ना बॉडी सेपर ही बोलते हैं, तो बॉडी सेपर आप नहीं यूज कर सकते ना, आप खुद ही सोचिए कि तब घाव बिल्कुल ताजे होते हैं, घाव मतलब पेट के जो टाँके होते हैं, तो मुझे लगता है कि इसे नहीं यूज करना चाहिए तब तुरंत ही। हाँ आप इसको 2 2.5 महीने जब आप देखें कि आपके टाँके बिल्कुल नॉर्मल हैं सब ठीक है, देन आप भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये अच्छा ऑप्शन है। अगर आप वॉक करने जाना चाहते हैं, टहलना चाहते हैं, एक्सरसाइज करना चाहते हैं, तो इसको लगा के आप कर सकते हैं, तो इसलिए ये अच्छा ऑप्शन है। अदरवाइज एब्डोमिनल बेल्ट लगाना चाहिए, वो सही रहता है, मैंने यूज किया है। तो चलिए, तो आज मैं आई होप कि आप कुछ ऐसा जो आपके मन में डिलीवरी को लेके ऐसा कुछ डर हो या फिर सी सेक्शन को लेके कुछ डाउट हो, शायद कुछ आपको हेल्प मिले, कुछ आपको सीखने को मिला हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।